तो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पे लर्निंग स्पॉट। सो जैसे कि हम पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैंने प्रपोजल और ऑफर आपको बताया था क्या होता है, उसके हमने डिस्कस करे थे व्हाट आर द काइंड्स एंड व्हाट आर द वैलिड एसेंशियल्स एलिमेंट्स ऑफ ऑफर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एक्सेप्टेंस। सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस, what are the essential elements of acceptance and how acceptance is important for a offer. okay, so as I told you earlier that offer kab banta hai, jab A ne maan lijiye B ko kya kiya, offer diya ki tum meri car khareedna chahoge 2 lakh mein. so this is offer which is being given by A to B, या हम कह सकते हैं विच इज़ बीइंग कम्युनिकेटेड बाय ए टू बी। ओके, कम्युनिकेशन इज़ मच परफेक्ट। नाउ इट इज़ अप टू बी, ये बी के ऊपर है कि वो ए का ऑफ़र एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। मतलब ए ने तो भाई इससे बात बोल दी कि तुम मेरा खरीदोगे कार 2 लाख में या नहीं। अब बी ने क्या, बी को क्या है, मान लो बी का मन नहीं है कार खरीदने का 2 लाख रुपए में, या उसे कार नहीं चाहिए वो मॉडल की, या वो 2 लाख में नहीं, या वो 1.5 लाख में ख़रीदना चाहता है। तो ये बी के ऊपर है। तो एक्सेप्टेंस यहाँ पर पूरी जो कह सकते हैं इम्पोर्टेंस है वो किस पे आ गई, आप यहाँ पर पूरी इम्पोर्टेंस जो है ऑफ़र की कम्युनिकेशन जो हुआ है वो बी के ऊपर आ गई कि वो बी एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सेप्टेंस पार्ट। एक्सेप्टेंस देखिए क्या है, मैंने बताया आपको कि जब कोई ऑफ़र देता है, मान लीजिए ए ने बी को दिया और उस सामने वाला इंसान उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है, सो दिस इज़ नोन एज एक्सेप्टेंस। ओके, यस। तो क्या हुआ, जब कोई सामने वाला जिसे ऑफ़र दिया जाता है वो अपनी एक्सेप्टेंस मीन्स उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है, उसमें अपनी रजामंदी दे देता है, कहता है हाँ ठीक है मैं तुम्हारा 2 लाख में कार खरीदने को तैयार हूँ, तो क्या हुआ उसे कहेंगे एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब देखिए ये तो ऑफरर होता है जो ऑफ़र देता है, और जो एक्सेप्ट करता है उसे कहते हैं ऑफरी। नेक्स्ट देखिए, रिलेशनशिप वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का। कैसे, ये देखिए लाइन इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्टेंस इज़ टू ऑफर व्हाट अ लाइटर मैच इज़ टू अ टन ऑफ गन पाउडर। मतलब एक्सेप्टेंस किसी ऑफर के लिए वैसे ही काम करती है जैसे कि एक बारूद की भरी हुई ट्रेन में एक माचिस की तीली काम करती है। जैसे माचिस की तीली जैसे ही क्या होता है, ट्रेन जो बारूद से भरी हुई जा रही होती है उसमें जैसे ही माचिस की तीली लगती है, मान लीजिए ये ट्रेन है बारूद वाली, इसमें क्या हुआ माचिस की तीली जैसे ही आती है तो क्या होता है आग लग जाती है इसमें। ठीक है, भाग से बहुत तेज़ से अब धमाका होगा और पूरी क्या होगी ट्रेन में तहस नहस हो जाएगी। तो वही बताया है कि एक्सेप्टेंस की इम्पोर्टेंस वही है। कैसे, मैं एक समझाती हूँ एग्जांपल से। ए ने मान लीजिए ऑफ़र दिया, ए ने मान लीजिए ऑफ़र दिया बी को, पहली वाली स्लाइड में समझाती हूँ, और कहा कि तुम मेरी कार खरीदोगे 2 लाख में। इसने देखिए ऑफ़र दे दिया, अब जैसे ही बी इसे एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, वैसे ही क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाएगा। देखिए जैसे ही बी ने एक्सेप्ट करा, इसे कॉन्ट्रैक्ट में ये कन्वर्ट हो गया। अब देखिए जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो देखिए कितना क्या हो जाएगा, इसने एक्सेप्ट कर लिया, ये कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना, तो ये अगर मान लीजिए यहाँ पर ए के साथ एक और दुर्घटना हो गई कि उसे एक सी मिल गया और सी कह रहा है मैं तुम्हारी कार खरीद लूँगा 3 लाख में, तो यहाँ देखिए ए को फ़ायदा है। लेकिन जब इसने एक्सेप्ट कर लिया बी ने, अब ए के पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलेगा तो बी क्या करेगा, उसे जाके कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 182, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर आ गया। अब जब इसके अंदर आ गया तो सारी पनिशमेंट जितने भी केसेस सब कुछ इसके पास लग जाएगा। तो ये बी क्या करेगा, उसे स्यू कर देगा, जाके स्यू करना मतलब उसे केस कर देगा उसके ऊपर जाके। तो देखिए कितना ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर एक्सेप्टेंस का। जब तक एक्सेप्टेंस बी ने नहीं दी थी तब तक ए तो अपना ऑफ़र क्या कर सकता था, वापस ले सकता था। ठीक है, तो यही बताया गया है
एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंस है ये ऑफर और एक्सेप्टेंस के बीच में, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट इजेंशियल देखिए क्या है वैलिड एक्सेप्टेंस के, कब आपकी एक्सेप्टेंस जो होगी वो वैलिड होगी, मींस लीगल होगी। कैन बी गिवन बाय पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, यस। मतलब कि यहाँ देखिए, ए ने मान लीजिए बी को ऑफर दिया है तो खाली बी ही एक्सेप्ट कर सकता है इसको, ऐसा नहीं कि सी एक्सेप्ट कर ले बी के बिहाफ में कि ठीक है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, सी कह रहा है कि ठीक है मैं एक्सेप्टेंस दे रहा हूँ बी के बिहाफ में, ऐसा नहीं होता। जिसको ऑफर दिया गया है उसको ही एक्सेप्टेंस देनी होगी। इसमें क्या होता है, एक केस है, आइए डिस्कस करते हैं उस केस को। एक कंपनी दी तो बी ने मान लीजिए, मान कह लीजिए बी ने क्या किया था, उस कंपनी को ख़रीद लिया था, इनका एक क्लाइंट था। अब क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट ने सामान मांगा, मतलब कि ऑफर दिया कंपनी को, ठीक है। अब ये कंपनी जो थी वो तो बिक गई थी, बी ने ख़रीद ली थी, है ना, और एक्सेप्टेंस दी बी ने। तो यहाँ पर जब एक्सेप्टेंस दी बी ने तो क्लाइंट ने मना कर दिया कि नहीं ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, मैंने तो ऑफ़र कंपनी को दिया था, बी आप कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो। कंपनी का उस टाइम मान लीजिए ओनर ए था, तो एक तरीके से ए को उसने दिया था, तो यहाँ बी एक्सेप्ट कर रहा है, तो कह रहा आप कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो, मैंने तो ए को ऑफ़र दिया था, ठीक है। यस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, मतलब एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड क्या मतलब हुआ कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए एक्सेप्टेंस में। जैसे जैसे जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको क्या करना चाहिए, ऑफर एक्सेप्टेंस करना चाहिए ऑफर को। जैसे ए ने कहा, मान लीजिए बी को कोई ऑफर दिया कि कार वाले मानते हैं 2 लाख में, तो बी ने कहा ठीक है मैं एक्सेप्ट तो कर लूँगा, लेकिन मैं ना कार तुम्हारी 2 लाख में नहीं 1.5 लाख में लेना चाहता हूँ। तो ये क्या हुआ, अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं हुई, ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है, क्योंकि उसने क्या किया टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस कर दिए। सो दिस इज़ नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। मस्ट बी कम्युनिकेटेड, मतलब जिसे आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो उसे आपको कम्युनिकेट करना चाहिए बी को, मतलब जैसे मान लीजिए कार वाला एग्जाम्पल है, तो बी को ए को बताना चाहिए कम्युनिकेट करके, चाहे आमने सामने हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और दूर हो तो लेटर के थ्रू, मेल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, टेलीफोन किसी के भी थ्रू एक्सेप्टेंस बतानी चाहिए। और ये बी की ड्यूटी है कि ए तक बात पहुंचे, मतलब अगर ये दोनों टेलीफोन में बात कर रहे हैं और टेलीफोन का कनेक्शन बीच में क्या होता है, बी ने मान लीजिए एक्सेप्टेंस दे दी अपनी, और उसी टाइम क्या होता है टेलीफोन का जो नेटवर्क है वो चला जाता है, फ़ोन कट जाता है, तो बी को कन्फर्म करना पड़ेगा कि तुमने मतलब ए को एक्सेप्टेंस मिल गई है या नहीं मिली है। मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब मोड, मतलब जिस क्या होता है ऑफ़र में क्या होता है, कभी कभी मान लीजिए ए ने ऑफ़र दिया बी को और उससे कह दिया कि एक्सेप्टेंस तुम ईमेल के थ्रू ही करना, तो यहाँ पर बी को एक्सेप्टेंस ईमेल के थ्रू ही देनी है। अगर मतलब दे रखा है मोड ऑफ एक्सेप्टेंस बता रखा है तो उसी मोड के थ्रू उसे एक्सेप्टेंस देनी है। मस्ट बी इन टाइम, यस दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि कोई एक टाइम लिमिट दे जाती है जब ऑफ़र दिया जाता है, तो उस टाइम पीरियड के अंदर ही एक्सेप्टेंस आपको देनी होती है। ये सब जैसे होता है, ये सब जैसे ऑफ़र आते हैं, शेयर इशू ऑफ पब्लिक आता है, शेयर इशू आता है सॉरी, तब उसमें क्या होता है वो तो 3 से 10 दिन के लिए ओपन होता है, तो उसमें तो आपके पास इतना ही टाइम होता है, ठीक है। लेकिन जैसे भी वो कार वाला एग्जांपल लेते हैं, कार वाले में क्या था, उसने ऑफ़र तो दे दिया इन्हें लेकिन बताया तो नहीं ना कि 7 दिन, मान लीजिए बता देता तो अच्छा होता कि 7 दिन के अंदर अंदर बता देना, तब तो टाइम हो गया विद इन टाइम, मतलब 7 दिन के अंदर अंदर बी को एक्सेप्टेंस देनी है। अब टाइम ना बताता तो, अब टाइम अगर वो ना बताता तो ऐसा तो है नहीं कि ज़िंदगी भर के लिए बी के और पास ऑफ़र है, मान लीजिए 40 साल बाद बी आया कि हाँ हाँ मैं तुम्हारी वो कार खरीदूँगा, ऐसा होगा क्या, नहीं। तो एक रीज़नेबल टाइम के अंदर बी को एक्सेप्टेंस, मतलब सामने वाले को एक्सेप्टेंस दे देनी होती है, जब यहाँ पर टाइम मेंशन नहीं होता। मियर साइलेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेंस, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर आप चुप हैं, मतलब बी को कार के लिए वाला एग्जांपल लेते, कार का ऑफ़र दिया तो बी ने कुछ नहीं कहा, चुप है एकदम वो, तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस नहीं होता है, आपको हाँ या ना में अपना जवाब देना होगा, तभी वो एक्सेप्टेंस मतलब माना जाएगा, ठीक है।
इस पे भी एक केस है, आइए डिस्कस ही कर लेते हैं। एक मान लीजिए राम थे, राम नाम था, उसने अपने नेफ्यू से कहा कि मैं तुम्हारा एक, उसका नेफ्यू जो था वो एक उसके पास क्या थे, घोड़े खुपसा रहे थे, ठीक है, तबेला था उसका। उससे कहा कि मैं तुम्हारा वो जॉकी, उसका नाम है घोड़े का मान लीजिए, कि मैं वो ख़रीदना चाहूँगा, ठीक है। तो नेफ्यू ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं कहा उसने, और राम ने बोल दिया कि अगर तुम कुछ नहीं जवाब दोगे तो मेरा इसका मतलब है कि तुम क्या करोगे, मेरे घोड़े, मेरे ऑफ़र तुमने एक्सेप्ट कर लिया है। तो नेफ्यू ने तो कोई जवाब नहीं दिया, नेफ्यू जाके अपने तबेले में जो उसका केयर टेकर था उससे कहा कि तुम इस जॉकी को संभाल के रख देना, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने अंकल को ये जॉकी बेच दूँगा। अब क्या किया केयर टेकर ने, क्या किया धोखे से ये जॉकी बेच दिया। अब राम ने क्या किया, स्यू कर दिया केयर टेकर को, मतलब केस कर दिया कि तुमने कैसे बेच दिया, मैंने तो, मेरी तो एक्सेप्टेंस हो गई थी, ये वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, तो यहाँ पर ये वैलिड नहीं होगा। क्योंकि यहाँ देखिए नेफ्यू ने सिर्फ सोचा था, इंटेंट मतलब सोचा था दिमाग में, और इसने एक्सेप्टेंस राम को नहीं दी थी कि मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेयर साइलेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेंस, वो वैलिड नहीं होगी। यस, एक्सेप्टेंस बाई कंडक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वही वाला सेम, जैसे कुली वाला एग्जांपल मैंने लिया था कि जब आपका कुली कोई सामान लेके जाता है तो आप उसे एक्सेप्टेंस देते हो क्योंकि आप वो उसका सामान उठा रहा है वो आपका, तो वो हो गया एक्सेप्टेंस बाई कंडक्ट या फिर इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। एक और इसमें एग्जाम्पल आता है, जैसे शॉपकीपर जो होता है, अब कोई एक कस्टमर है, उसने क्या किया, एक लिस्ट में इतने इतने प्रोडक्ट लिख के और उसके प्राइस लिख के भेज दी, मतलब लिस्ट में प्रोडक्ट लिख के भेज दिए, प्राइस कैसे उसे तो पता नहीं होगा, तो शॉपकीपर के पास भेजा ये कि मुझे ये सारे सामान चाहिए। अब शॉपकीपर ने क्या किया, उसे कम्युनिकेट मतलब करने से उससे अच्छा है, उसने सोचा कि ठीक है मैं इसको डिलीवर कर देता हूँ डायरेक्ट सामान को, उसने बताया नहीं, तो इसने क्या किया सामान को डायरेक्ट डिलीवर कर दिया। तो ये भी क्या हुआ, एक एक्सेप्टेंस बाई कंडक्ट हो गई, ठीक है, क्योंकि उसने अपनी वो गुड्स को डिलीवर करके ये क्या शो किया है कि वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है। यस, नाउ वी आर मूविंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। दिस इज गाइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर मींस आप किसी को ऑफर दे रहे हो तो आप उसे कम्युनिकेट करोगे, मींस आप उसे बताओगे वो बात। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आइए देखते हैं कब कंप्लीट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर गाइस फ्रेंड्स क्वेश्चंस आते हैं, मींस आपको एक बड़ा सा केस लॉ आ जाएगा और उसमें पूछा जाएगा, खूब सारी डेट्स होंगी कि बताइए कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुआ, या कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ, एज अगेंस्ट द प्रपोजर, एज अगेंस्ट द ऑफरी। तो ये एक्सेप्टर या फिर ऑफरी, तो ये आपको पता होना चाहिए, तो इसे अच्छे से समझ लीजिए आप। देखिए पहले हम कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र की बात करते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र कब कंप्लीट होता है। देखिए कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र इज़ कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड। देखिए कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र कब कंप्लीट होता है, जब जिसको दिया जाता है ऑफ़र उसको ये बात पता चल जाती है, तब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र कंप्लीट हो जाता है। मान लीजिए ए ने, अगर आमने सामने है तो देखिए तुरंत ही बात पता चल जाएगी, कैसे, ए और बी आमने सामने थे, ठीक है, फेस टू फेस थे। ए ने बी से कहा कि तुम मेरी कार खरीदोगे 2 लाख में, विद इन अ मोमेंट बी को ये बात पता चल गई क्योंकि उसने सुन ली ये बात, तो यहाँ पर तुरंत कंप्लीट हो गया। केस का आपको पता है कैसे आएंगे, केस आएंगे जब जैसे लेटर के थ्रू पूछा या फैक्स के थ्रू पूछा, वो थोड़ा देर में आता है ना, लेटर मेन होता है यहाँ पर, लेटर के थ्रू जो होता है ना वो सबसे उनका इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। ए ने लेटर लिखा मान लीजिए 14 तारीख को, ठीक है, बी को लिखा ऐसे इतना बड़ा सा नंबर, डियर बी हाउ आर यू, आई एम फाइन हेयर, ऐसे करके लिखते हैं ना लेटर। फिर उसने बोला आई एम थिंकिंग नहीं, इंटेंट नहीं, उसको बताना है, ठीक है, आई वॉन्ट टू से यू दैट विल यू बाई माई कार फॉर ₹2 लाख, ऐसे करके उसने लेटर लिख दिया, बड़ा सा, खूब बड़ा सा लिख दिया। अब इसने 14 तारीख को लिखा था, मान लीजिए 14 जून को लिखा, पोस्ट कर दिया, इसके पास पहुँचा 16 जून को, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र कब कंप्लीट होगी, 16 जून को, क्योंकि 16 जून को इसे ये लेटर पहुंचा है, इसे पता चला है। उसके बाद भी देखिए ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है,
इसने क्या किया, लेटर लिया और ड्रॉअर में रख दिया, इसने पढ़ा ही नहीं लेटर। इसने लेटर को पढ़ा 18 जून को, तो जिस दिन लेटर पढ़ा, मतलब जिस दिन इसको ये बात पता चल गई कि ए ने इसको कोई ऑफ़र दिया है, कुछ सामान खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए 2 लाख में ऑफ़र दिया है, उस दिन ही ये ऑफ़र, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र कंप्लीट होगा। मतलब बी ने 18 तारीख को ड्रॉअर से उस सामान, बिजी होगा तो उसने 18 तारीख को निकाला वो लेटर, अब उसने पढ़ा पूरा लेटर, तो जिस दिन उसने पढ़ा, जिस दिन उसे पता चला, उस दिन ऑफ़र ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र इज़ कम्प्लीटेड। ठीक है, तो 18 जून को कम्प्लीट हुआ। क्वेश्चन कैसे आता है कि मान लीजिए ऐसे ही आएगा कि ए ने एक लेटर लिखा 14 तारीख को बी को, बी को लेटर रिसीव हुआ 16 को, लेकिन उसने पढ़ा 18 को, बताइए कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र कब कंप्लीट हुआ, तो 18 को कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप क्या देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो आपको क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए देखिए मैं एक एक लाइन एक एक अच्छे से समझा रही हूँ आपको, और मैं रीडिंग करने के लिए इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि आप उसे पढ़ो, जब आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में जाएगी। और हाँ, मैं रेफ़र करूँगी आपको, प्लीज़ दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कि आप जिस बुक से पढ़ रहे हो ना, प्लीज़ उसी बुक से पढ़ो। ठीक है, आप उस बुक को 50 बार रिवाइज कर लो, चाहे 50 बार तो नहीं होता है, 2 या 3 बार रिवाइज कर लो, लेकिन ऐसा मत करो कि आज इस ऑथर की बुक ले ली तो कल इस ऑथर की बुक ले ली, तो परसों किसी और ने कहा अरे उसका कंटेंट अच्छा है, उसमें ज़्यादा अच्छा है, तो आज उस ऑथर की बुक ले ली। ऑथर से मतलब नहीं है फ्रेंड्स, ऑथर से मतलब नहीं है, मतलब तो सब एक्ट तो देखिए एक ही रहेगा ना, लॉ तो एक ही रहेगा ना। हर देखिए लॉ में जो लिखा है वो तो लिखा ही है, सिर्फ क्या होता है प्रेजेंटेशन का तरीका अलग हो जाता है ना। तो आपको जिसका प्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा लगता है, आप स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लो, स्टार्टिंग में ही लिख लो कि आपको किससे पढ़ना है, प्लीज़ उस बुक को मत चेंज करो। ऐसा नहीं कि आधा बुक इसे पढ़ लिया फिर दूसरा से उठा लिया फिर उसका दूसरा पढ़ना है, ऐसा मत करो, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में क्या होगा ना, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन हो जाएगी, पहली बात तो आप इतना बर्डन ले लोगे। सो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, मैं भी ये पर्सनल करती थी कि पहले ही मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे कौन सी बुक से पढ़ना है, तो मेरी ही बुक वो लास्ट तक चलती है जब तक मेरा पेपर होता है। ठीक है, हाँ मैं उसके लिए मना नहीं कर रही हूँ, आप मॉक टेस्ट दो, आप लास्ट अटेम्प्ट के पेपर दो, वो आप जितने लगा सकते हो लगाओ, लेकिन बुक का जो कंटेंट है ना, बुक मतलब आप एक ही बुक से पढ़ो, उसको आप रिवाइज करो, उससे क्या होगा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, सो फॉर दिस इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस सेशन एंड विल मीट अगेन। सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, आप इसे अच्छे से रिवाइज़ करिए, और मैंने जितने जो आपको टिप्स दिए हैं वो आप उसे ध्यान में दिया करिए, इट विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशंस। बाय, बेस्ट ऑफ लक।